आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव अपने पूरे परिवार के साथ जमुई के बरहट पोलिंग बूथ पे अपना मतदान करने यहाँ पर आए हुए थे। आप देख सकते हैं जयप्रकाश जी ने अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर अभी वोट डाला है। बात करते हैं जयप्रकाश जी से। जयप्रकाश जी, किस तरीके का माहौल है? आप तो आरजेडी से सांसद है बांका से, लेकिन आप यहाँ वोट डालने आए हैं अपने गाँव पे जमुई में। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दिया है, राजा हो या रानी, गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक वोट का अधिकार। पर एक वोट के अधिकार से ही देश का तकदीर बनता है और तस्वीर बनता है। और उस तकदीर और तस्वीर के लिए बड़े पैमाने पर पहले चरण का वोटिंग हो रहा है। और मैं मानता हूं कि जो पहले चरण का वोट हो रहा है उसमें सेकुलर ताकत की जीत होगी, सोशल जस्टिस की जीत होगी, संविधान बचाओ, बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया हक को बचाओ। देश में हम अमन के पुजारी हैं, हम नफरत मानने वाले नहीं हैं। नफरत का अंत करना है, अमन को कायम रखना है। गंगा जमुनी संस्कृति हमारी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। देश का तबाही का मंजर आया है, संपूर्ण देश भयभीत है, भय से जो है भरा हुआ है। आज हमें जो है अच्छे दिन के नाम पर जो है देश का बहुत ही बुरा दिन आया है। इसलिए एक एक लोग हम सभी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और देश के लिए कर रहे हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए कर रहे हैं। और संसदीय लोकतंत्र की गरिमा अक्षुण रहे और देश के वातावरण में कोई भी जो है नफरत की आग न फैले, इसके लिए वोटिंग बड़े पैमाने पर सभी लोग कर रहे हैं। और आज हम अपने गांव में अपने सारे परिवार के साथ आए। हमारी जो है माँ है, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे छोटे भाई जयप्रकाश है, हमारी बेटी शिवांगी है, हमारी बेटी शेफाली है। हम सब लोग जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके फिर जो है हम आगे जा रहे हैं। माहौल किस तरीके का है? अगर चार सीटों की बात करें अभी तो चारों सीट तो बीजेपी या फिर उसके सहयोगी दल के पास है। चिराग के जितने की यहाँ पे क्या उम्मीदें हैं जमुई से? चिराग का चिराग सुबह से ही बुझ गया है और कोई भी अब उसके चिराग में दम नहीं है। सारा का सारा जो है एक तरफा जो है वोट जो है जा रहा है आपको श्री भूदेव चौधरी जी के पक्ष। महागठबंधन क्या लगता है बिहार में वापसी कर पाएगा? पिछले बार 31 सीटें तो एनडीए जीता था। महागठबंधन की ताकत और जो जनता का आशीर्वाद इतना जबरदस्त है और यहाँ खटिया बटिया खड़ा कर दिए थे बीजेपी का, लेकिन जो है जनता के जनादेश का अपमान करके एक जो है व्यक्ति जो है चले गए, जो बिहार के सीएम हैं वो चले गए उन लोग के पास जो नफरत फैलाने वाले और जो है भारतीय जनता पार्टी के गोद में चले गए और देश के वातावरण को और बिहार के वातावरण को नुकसान किया। लेकिन जनता खड़ी है कि सेकुलर ताकत, सोशल जस्टिस ताकत और जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के सपनों को और हक को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसलिए 40 का 40 सीट जो हमारा है वह यूपीए का, जिस गठबंधन में हमारे आदरणीय लालू जी हैं, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जीतन राम मांझी हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा हैं, श्री मुकेश सहनी हैं, श्री आदरणीय सोनिया गांधी हैं और आदरणीय राहुल गांधी हैं और जो है सेकुलर ताकत हैं, दो कंपार्टमेंट। मोदी लहर है क्या देश में जो 2014 में था? मोदी लहर का नाम कोई चीज़ है नहीं, मोदी का नामो धीरे धीरे बोल रहा है। इसलिए देश में असत्य बोलने वाले अगर कोई एक व्यक्ति हुए हैं तो इस मुल्क के प्रधानमंत्री। दो सवाल और, लालू जी को बेल नहीं मिला है, क्या लगता है लालू जी की कमी जो है इन चुनावों में खलेगी, आरजेडी को इससे कुछ नुकसान होगा? सबसे बड़ी बात है कि लालू जी गरीबों के दिल के धड़कन हैं। एक लालू प्रसाद यादव जी कारागार में बंद हो सकते हैं, लेकिन जो है आज गाँव में, गलियों में, आड़ में, मेड़ में, खेत और खलिहान में, बाग और बगीचा में, देश में, बिहार में, और जो करोड़ों लालू यादव जो है पैदा ले लिए हैं, जिनके मन में सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक एकता और बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर हक बचाने के लिए आज मजबूती से खड़े हैं। और जो है बिहार और देश में ऐसी ताकत जो एनडीए का है,
इनका खटिया बटिया। कितनी सीटें महागठबंधन इस बार जीतेगी बिहार में? बिहार का जितना सीट है सब के सब 40 जीतेंगे हम, एकदम मजबूती के साथ, कोई इसमें नहीं, जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद जो है यूपी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। चलिए, तो जयप्रकाश नारायण यादव बांका से सांसद हैं और इनका भी अगले फेज में जो है वो चुनाव होना है, वहाँ से ये आरजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसे में वो मानते हैं कि वोट देना ज़रूरी है, इसीलिए बांका से अपने संसदीय क्षेत्र से छोड़कर वो फिलहाल अपने गांव पर आए हैं, वो यहाँ पर वोट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन जो है बिहार में सभी सीटों पर जो है वो जीत हासिल करेगा। दिव्या, ये बताइए, आप लोग सुबह सुबह यहाँ वोट करने आई हैं, क्या इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब वोटिंग का, इलेक्शंस का आप लोगों के लिए? इलेक्शन बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, हमारा संविधान बचाने के लिए हमारा ये हक है, तो इलेक्शंस तो गरीब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग किस इश्यूज को लेकर इस बार वोट कर रही हैं, कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है आपके दिमाग में है? एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन एंड आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार ने उसने काफ़ी काम किया है, क्योंकि वो कह रही है बहुत काम किया है पिछले 5 सालों में? नहीं नहीं, इतना कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है हमें कुछ भी, ये बस ऐसे झूठे वादे किए थे उन्होंने जो आज तक पूरे नहीं हुए। शेफाली, आप बताइए, क्या जो मोदी सरकार ने वादे किए थे या जो 5 साल में आपको लगता है वो धरातल पर उतरा है? आप एक खुद युवा हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं एक युवा हूँ, उस हिसाब से अगर मैं पर्सनली भी बोलूँ, अब मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूँ बट उसको अलग, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो एक भी प्रोमिसज, जितने भी वादे थे, जितनी भी चीज़ें बोली गई थी कि युवा को देंगे या मिलेगा, जैसे रोज़गारी, वो तो बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए, युवा को तो बिल्कुल मेरे ख्याल से कहीं का नहीं छोड़ा है आज के टाइम में, बिल्कुल हाँ ठग सा लिया है, तो बिल्कुल भी हमें तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कहीं भी नौकरियां मिली हैं, कहीं भी कोई भी किसी को काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, गाँव बरहट, जमुई।